नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वापस हो चुके तीनों कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन संसद में बताएं कि वो कब प्रायश्चित करेंगे। वहीं लखीमपुर मामले में मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे, साथ ही एमएसपी पर कानून कब बनाएंगे, इसके बिना माफी अधूरी है। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो है आपको बता दें केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी तो किसानों से मांग ली, लेकिन संसद में प्रायश्चित वो कब करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि पीएम पर वार किया है, साथ ही उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि माफी का प्रायश्चित वो कब करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है, ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कानून कब बनाएंगे एमएसपी पर, और ऐसे में लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री को बर्खास्त कब किया जाएगा। तो इसी पर बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद। अश्विनी जी, सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन विपक्ष की मांग और किसानों की मांग अभी भी बनी हुई है। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी तो मांग ली किसानों से, लेकिन संसद में प्रायश्चित कब वो करेंगे। देखिए, जो दो बातें मैं बता देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी देश के किसानों से मांगी, उन जो है तथाकथित नेता जो वहां बैठे थे उनसे माफी नहीं मांगी। जी, ये बहुत स्पष्ट कर दूं मैं जी, क्योंकि वहां के जो तथाकथित जो नेता बैठे हैं वो कृषि आंदोलन के में जो है वो किसानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे थे, वो अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे थे जी। दूसरी बात राहुल गांधी जी की मैं बताता हूं, उन्होंने कहा माफी मांगा देशवासियों से, तो देशवासी में राहुल गांधी भी आते हैं। अगर अपने आप को इटली का नागरिक मानते हो तो ये माफी उनके लिए बेकार है, बेमानी है, उस चीज को वो नहीं समझ पाएंगे जी। तीसरी बात, आपने बहराइच का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, और बहराइच का मैं कह सकता वो सारी अपना लखीमपुर का जी, तेनी जी वाला, तेनी जी का मामला न्यायिक जांच की प्रक्रिया में है, उसमें किसी नहीं। अश्विनी जी, जांच तो हो रही है, लेकिन देखिए किसानों की और विपक्ष की भी एक ही मांग है कि बर्खास्त मंत्री को किया जाए, तो क्या सरकार बर्खास्त करेगी। मैं एक सवाल आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, 5000 सिखों के काटने के बाद जो हत्या हुई थी 84 में, क्या राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था या उनको बर्खास्त किया गया था। राहुल गांधी अपने आप से सवाल पूछेंगे जी। आज जो सवाल देश से पूछ रहे हैं, वहां पर 5000 सिखों की हत्या हुई थी, किसी ने मांग, उसमें जो है इस्तीफा दी, नैतिकता कहां मर गई थी उनकी। मुलायम सिंह यादव जी ने कारसेवकों की 92 में हत्या करवाई थी, उनकी नैतिकता थी जी। उन्होंने बयान दिया कैंट विधानसभा क्षेत्र में कि मैं इतने हिंदुओं को मैंने मरवा दिया और मैं मुस्लिमों के लिए क्या कर सकता हूं। यानी कि अश्विनी जी यानी कि अजय मिश्रा टेनी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे विपक्ष कितनी भी मांग करता रहे, किसान कितनी भी मांग पर अड़े रहे। अगर न्याय की प्रक्रिया में टेनी जी आते हैं तो उनके ऊपर न्यायिक कार्रवाई जरूर होगी। विपक्ष की मांग करने से हम किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं, बहुत स्पष्ट ये है। विपक्ष नैतिक अगर जब दिखाता है नैतिकता दूसरे को, तो नैतिक होना पड़ता है जी। तो विपक्ष नैतिक नहीं है, उनके नैतिक मूल्यों का हनन बहुत पहले हो चुका है जी। आज वो देश मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आए हैं। राहुल गांधी के पास कुछ है नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफी मांग ली, देश के किसानों से, जो 94% सीमांत और लघु किसान है जी। जो जिनके लिए ये कानून आया था सबसे माफी मांग लिया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो राहुल गांधी न समझे, क्योंकि जमीन उनकी खिसक चुकी है देश में। ठीक है अश्विनी जी, अश्विनी जी ठीक है ये सभी बातें, लेकिन एक मांग किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है, और राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार बताए कि जितने किसानों की इस आंदोलन के दौरान जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा कब देंगी। इसमें भी दो बातें हैं,
एक तो राहुल गांधी वाला मुद्दा मैं उठाता हूं, बताइए जितने जो किसान मरे हैं इसमें राहुल गांधी या कांग्रेस का नेता कितनी बार वहां गया है उन किसानों के घर जी। एक चीज इसमें लखीमपुर खीरी में उनके दो मुख्यमंत्री आए, एक मुख्यमंत्री ने 50 लाख, एक मुख्यमंत्री ने 50 लाख। उसी जगह सिंघू बॉर्डर पर तरन तारण का एक दलित किसान काटा जाता है, उसको कितने रुपए का मुआवजा कांग्रेस की सरकार चन्नी सरकार ने दिया जी। भूपेश बघेल जी आए 50 लाख दे गए, 160 या 170 किसानों को वहां मारा गया छत्तीसगढ़ में जी। उन किसानों को कितने रुपए का मुआवजा उन्होंने दिया? अश्वनी जी, ये सवालों को अश्वनी जी एक चीज छोटी सी जानना चाहूंगी, क्या बीजेपी मानती है कि इस आंदोलन में किसानों की जान गई है या नहीं गई है? ये राकेश टिकैत बताएंगे। नहीं आप कितने किसानों की हत्या कराई है वहां पर ले आकर? नहीं आप बताइए, सरकार ये मानती है या नहीं मानती है कि किसानों के आंदोलन में जान गई है या नहीं गई है? ये राकेश टिकैत बताएंगे, मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि राकेश टिकैत बताएंगे कि यानी कि आपके अकॉर्डिंग किसी की जान नहीं गई, एक भी किसान की जान नहीं गई है? उनकी स्थिति बड़ी खराब है, वो मुकदमा वापसी की जो मांग कर रहे हैं ये उन्हीं मुकदमों से डर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो अश्वनी जी मुकदमे वापस एक अलग टॉपिक हो गया। अश्वनी जी वो एक अलग टॉपिक हो गया, यानी कि आपके जिस तरह से आप कह रहे हैं उसके नहीं ठीक है। अश्वनी जी मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ पहले उसका जवाब दीजिए आप, यानी कि आपके अकॉर्डिंग एक भी किसान की जान नहीं गई इस आंदोलन में? ये राकेश टिकैत बताएंगे कितने की हत्या उन्होंने कराई, कितने को जला के मारा, कितने के साथ बलात्कार हुआ, यानी आपके पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं ना, क्योंकि देखिए आप लोग बीजेपी ने तो संसद में भी ये लिखित में कह दिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर मुआवजे की बात किस बात की आई? जब मैं वो बोल तो रहा हूँ कि राकेश टिकैत बताए ना कि कितने को मरवाया उन्होंने ले आकर, बूढ़े बुजुर्गों को ले आकर क्यों मरवाया उन्होंने, और आज उसी से डर रहे हैं वो मुकदमा वापसी की जो बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रासुका लगेगी तो इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, आज वही डर राकेश टिकैत को सता रहा है कि अब तो किसान बिल वापस हो गया, कानून संसद से खत्म हो गया, अब हमारे ऊपर मुकदमा लगेगा तो मेरी संपत्ति जाएगी, तब जाके बौखलाकर मीडिया के ऊपर आरोप लगाने से लेकर सब कुछ कर रहे हैं। आज उन किसान तथा कथित किसान नेताओं की पोल खुल चुकी है और किसान जो वहां थे वो अपने घरों को जा चुके हैं वापस, अब कोई किसान वहां बचा नहीं है। चलिए ठीक है अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वहां पर किसी भी किसान की जान नहीं गई है, ये तो राकेश टिकैत बताएंगे कि कितने किसानों को वहां पर उन्होंने बुलाया और कितने किसानों को उन्होंने मरवाया है, ये साफ तौर पर राकेश टिकैत ये बताएंगे, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है।